आइए आप चौर एवं गहरे पानी के लिए उपयुक्त किस्मों के बारे में जानते हैं, यानी वैसे किस्म जो 1 मीटर तक पानी वाले क्षेत्रों के लिए भी उपयुक्त हैं। सुधा, यह किस्म 150 से 160 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी उपज क्षमता 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मार्च अप्रैल महीने में 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज गिराना चाहिए। इसकी रोपाई के लिए सीधी बुआई, छिटा विधि या फिर हल के पीछे रोपा विधि को अपनाना चाहिए। जानकी, 150 से 160 दिनों में तैयार होने वाली ये किस्म 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की औसत उपज देती है। बिचड़ा तैयार करने के लिए 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 25 मई से 10 जून के बीच बीज गिराना चाहिए। इसकी रोपाई के लिए भी सीधी बुआई, छिटा विधि या फिर हल के पीछे रोपा विधि को अपनाना चाहिए। अगली किस्म है वैदेही। 150 से 160 दिनों में तैयार होने वाली यह किस्म 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती है। 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 25 मई से 10 जून तक बीज गिरा देना चाहिए। इसकी रोपाई के लिए सीधी बुआई, छिटा विधि या फिर हल के पीछे रोपा विधि को अपनाना बेहतर होता है। अब सुगंधित धान की किस्मों के बारे में जानते हैं। सुगंधा, इस किस्म को तैयार होने में 150 से 155 दिन लगते हैं। इसकी उपज क्षमता 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 25 जून से 10 जुलाई तक नर्सरी में बीज गिराएं और रोपाई के लिए 15 से 20 दिनों के बिचड़े का ही उपयोग करें।